भी इसमें रहेगा जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही रहेगा। एंड उसके बाद जो एन है वो एन एन रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है वो पावर इस प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी को ड्राइव करेगी, इस प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी को मार्केट के अंदर जो है वो बढ़ाएगी। तो अगर हम सबसे पहले टेक्नोलॉजी में बात करें तो टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस वक्त मार्केट में पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में छाई हुई है। और अभी जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हाविंग हो चुकी हुई है बिटकॉइन की अप्रैल 2024 में। तो अभी हाविंग ईयर जो है फर्स्ट ईयर एंड द फॉलोइंग ईयर जो है उससे सेकंड ईयर जो है, तो पहले 2 साल जो है वो क्रिप्टो करेंसी में हाविंग के बाद जो है वो बुल रन रहता है। तो अभी ज्यादातर वॉल्यूम बिटकॉइन में आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे 6-7 महीने के बाद जो ओल्ड कॉइन है उनका भी बूम आएगा जब मैक्सिमम जो है बिटकॉइन के अंदर या इथीरियम के अंदर या जो पहले कॉइन है उनके अंदर मैक्सिमम लिक्विडिटी आ चुकी होगी। तो उसके बाद आप देखेंगे जो मार्केट है वो बेसिकली ओल्ड कॉइन्स की तरफ भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वक्त बहुत राइट टाइम है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर काम करने का। इसलिए हम सब लोग लकी हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें बिल्कुल स्टार्ट में मिला है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी कंपनी लेके आई है ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल बहुत ज्यादा इन टेक्नोलॉजी है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें तो राइट नाउ जो सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन चल रही हैं जिनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है ब्लॉकचेन में, जिसमें बीएनबी चेन है, उसके बाद आपका मैटिक चेन है, जीनोसिस चेन है, तो ये जितनी भी चेन्स हैं ये इस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको टोकन्स ऑफर कर रही हैं, उनको एनएफटीज ऑफर कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रही हैं, और उसके साथ साथ जो है डैप्स वगैरह ऑफर कर रही हैं। तो जो डिवेलपर कम्युनिटी है किसी भी क्वाइन के अंदर वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है इस सेंस में कि और प्रोजेक्ट्स जो है वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर या उस ब्लॉकचेन के अंदर आए। दूसरे नंबर पे वैलिडेटर कम्युनिटी है। आपको पता है कि जो बाइनांस स्मार्ट चेन है या मैटिक चेन है या अभी जितनी भी नई चेन्स आ रही हैं वो माइनिंग के ऊपर नहीं चल रही बल्कि वो वैलिडेटर्स के साथ रन हो रही हैं। तो इसलिए वैलिडेटर्स जो है वो आज के दिन का ट्रेंड है हर ब्लॉकचेन में। जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो ये एक वैलिडेटर्स कम्युनिटी जो है वो एक बहुत स्ट्रेंथ के तौर पे काम करती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। उसके बाद डैप्स हैं जिसमें लोग मेटावर्स की डैप्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं किसी भी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके जो उनको लेयर 2 और लेयर 3 की डेवलपमेंट ऑफर करती है। तो जो योनेस कॉइन है वो बेसिकली वो तमाम फीचर्स ऑफर करता है अपने क्लाइंट्स को, या ये एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज जो है वो योनेस ब्लॉकचेन के ऊपर भी ऑफर की जाएंगी। और राइट नाउ टेक्नोलॉजी वाइज जो है योनेस की जो ब्लॉकचेन है जो कि 100% रेडी है, रन है, लाइव है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी वो तमाम काम किए जा सकते हैं जो आप बाइनांस स्मार्ट चेन पे जाके कर सकते हैं। चाहे आपने वैलिडेटर बनना है, चाहे आपने टोकन क्रिएट करना है, चाहे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, चाहे आपने डैप क्रिएट करनी है, तो कुछ भी ऐसा काम जो दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर हो सकता है जो इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है एज क्वाइन मार्केट के अंदर, तो वो सारे के सारे काम जो है वो योनेस के प्लेटफॉर्म पे या योनेस की ब्लॉकचेन के ऊपर भी किए जा सकते हैं। तो अभी इसका क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम इसकी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, जैसे जैसे इसके प्रोग्राम्स लेके आएंगे, वैलिडेटर्स को लाने का अलग से प्रोग्राम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इसके ऊपर लाने का, डेवलपर्स को एक्चुअली में लाने का इसके लिए अलग से प्रोग्राम रहेगा, तो हर कंपोनेंट के ऊपर इस कॉइन में काम किया जाएगा जो भी आप सोच सकते हैं। लेकिन सबसे जो बढ़िया बात है वो ये बढ़िया बात है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 425 करोड़ टोटल इसकी सप्लाई रहेगी, 4.25 बिलियन क्वाइंस योनेस क्वाइन के रहेंगे, ये मैक्सिमम सप्लाई है इसकी। तो इसमें भी बर्निंग प्रोटोकॉल भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और योनेस क्वाइन जो है आगे चल के जब योप्लेक्स प्लेटफॉर्म लाइव होगा
तो उसके बिजनेस की वजह से जो है इसकी बर्निंग भी हो गई, जो कि 25% रेवेन्यू जो है योप्लेक्स का, वो सीधा सीधा इसकी बर्निंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरीके से भी जब सप्लाई इसकी कम होगी और ये ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज में जाएगी, चाहे एक्सचेंजेस कम्युनिटीज हैं आउटर एक्सचेंजेस की, चाहे वैलिडेटर्स की कम्युनिटीज हैं, डेवलपर्स कम्युनिटीज हैं, या और जो जो फीचर्स इसमें मौजूद हैं उसके ऊपर जब अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके उन कम्युनिटीज को लाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है योनेस की जो ब्लॉकचेन है वो भी अपनी विजिबिलिटी दिखाएगी दूसरी ब्लॉकचेन की तरह, जैसे मैटिक चेन है या बाइनांस स्मार्ट चेन है। तो आप अपने तौर पे इस लिंक को विजिट कर सकते हैं, explorer.yones.org। तो इस लिंक पे आपको ब्लॉकचेन का लिंक मिलेगा, तो यहाँ पे आप वो तमाम चीजें देख सकते हैं जो आप विजिट कर सकते हैं बाइनांस स्मार्ट चेन पे या आप मैटिक चेन के ऊपर। तो इसके ऊपर भी हम सब लोगों को मिलके काम करना है, लेकिन सबसे पहला पार्ट किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जब वो मार्केट में आती है तो वो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो जो क्वाइन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके कम्युनिटी के अंदर या उसके इन्वेस्टर्स के अंदर। तो इसका जो पहला फेज अभी ओपन किया है कंपनी ने, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 425 करोड़ क्वाइन है ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसी आईसीओ के थ्रू, नहीं किसी एक्सचेंज के थ्रू। कंपनी क्वाइंस नहीं बेच रही, ना कंपनी ने इसको किसी लॉन्च पैड पे लॉन्च किया है, बल्कि कंपनी ने इन क्वाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो डिसीजन लिया है वो लिया है योनेस की नेटवर्क मार्केटिंग की जो कम्युनिटी है उसके अंदर। तो इसका नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा कंपनसेशन प्लान कंपनी के पास मौजूद है, जिसके ऊपर काम शुरू हो भी चुका हुआ है, और बहुत अच्छे एक्टिवेशन पैकेजेस मौजूद हैं जिनको आप स्टेकिंग पैकेजेस कह सकते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं योनेस क्वाइन के अंदर, तो आप अगर इसकी सप्लाई अपने पास लेना चाहते हैं तो इसके तरीकेकार ये है कि आप योनेस प्लेटफॉर्म को आज ही ज्वाइन करिए, अपने किसी ना किसी दोस्त के थ्रू या किसी के रेफरेंस के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप खुद की इसमें छोटी या बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो इनिशियल रेट है, क्योंकि इनिशियल रेट इसका 0.05 सेंट चल रहा है, इनिशियल रेट के ऊपर आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वाइंस आ सके। तो इसका $50 से स्टेकिंग पैकेज स्टार्ट होता है और ये जाता है $500,000 तक। तो आप जो भी अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो उस अमाउंट को आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने क्वाइंस को स्टेक पे लगा सकते हैं। इसका तरीकेकार क्या होता है, बहुत आसान तरीकेकार है। आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इस प्लेटफॉर्म में और डिपॉजिट USDT की ऑप्शन पे जाएंगे आप, और डिपॉजिट USDT में जाके आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जितनी अमाउंट आपने इसमें डिपॉजिट करनी है। उसके बाद आपने सिंपल इसको प्रोसीड करना है, तो आपको USDT BEP20 का एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस से आप जो है उस एड्रेस के ऊपर आप वो अमाउंट सेंड कर सकते हैं जितनी अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप एड टू फंड्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका फंड जो है USDT BEP20 के थ्रू इसमें योनेस प्लेटफॉर्म के अंदर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक्टिवेशन कर सकते हैं, जो आपके वॉलेट का बैलेंस है उस बैलेंस के साथ $50 से लेके $500,000 तक। इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको फायदा ये मिलेगा, लेट से आप $1,000 का पैकेज स्टेक पे लगाते हैं, तो आपको $1,000 के बदले 0.05 सेंट रेट है इसका पहला, तो 0.05 सेंट रेट के ऊपर आप जो है आपको 20,000 क्वाइंस मिल जाएंगे जो आपके 3 मंथ्स तक स्टेकिंग पे रहेंगे। इसका तरीकेकार क्या है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेल में आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये पहले से मैंने लिखा हुआ है ताकि हम अपने टाइम को सेव करें। $1,000 में आपको 0.05 सेंट के हिसाब से 20,000 योनेस क्वाइन आपके ऑटोमेटिकली स्टेक पे लग जाएंगे। और ये जो क्वाइन है ये आपका एसेट है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है या परचेजिंग की है वो बेसिकली आपने कंपनी से क्वाइंस की परचेजिंग की है, तो कंपनी बेसिकली क्वाइन को एज प्रोडक्ट बना के योनेस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जब आपने $1,000 का पैकेज लगाया तो आपको 20,000 क्वाइन मिल गए जो आपके 3 मंथ्स तक लॉक रहेंगे।
3 महीने तक आप इन कॉइन्स को नहीं निकाल सकते, आपकी ये 3 महीने तक कॉइन लॉक रहेंगे, क्योंकि अभी कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कंपनी ने बेसिकली यही बनाया है, और अभी कंपनी धीरे धीरे से ब्लॉकचेन को और कॉइन को दूसरी जगह पे भी लेके जा रही है, जैसे एक्सचेंजेस पे लेके जाना है, कॉइन मार्केट कैप बहुत जल्दी लेके आ रही है कंपनी, कॉइन जी को, कॉइन वर्ल्ड कॉइन इंडेक्स, और भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे जैसे ये एक्सचेंजेस में लिस्ट होता चला जाएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो है अपडेट मिलती रहेगी। राइट नाउ अभी जो योनेस कॉइन है वो अभी फिन बॉक्स एक्सचेंज में लिस्टेड है, और कमिंग वीक में बहुत जल्दी आपको जो है एक और एक्सचेंज, अच्छी वाली एक्सचेंज मिल जाएगी जहां पे योनेस का कॉइन जो है वो लिस्ट हो चुका होगा। तो 3 मंथ तक आपके ये कॉइन लॉक रहेंगे, हर आने वाले नए शख्स के 3 मंथ तक कॉइन लॉक रहेंगे, और 4th मंथ में वो अनलॉक कर सकता है अपना 25% सप्लाई। तो अगर आपका 20,000 कॉइन लॉक हुआ है तो आप चाहें तो 4th मंथ में 5,000 कॉइन्स को अनलॉक करके अपना इसका विड्रॉल करके किसी भी एक्सचेंज में जाके बेच सकते हैं जहां पे ये कॉइन लिस्टेड होगा, और अगर आपको नहीं बेचना तो आप अपना कॉइन निकाल के अपने आउटर वॉलेट में, मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में, यहाँ पे भी रख सकते हैं। और अगर आपको होल्डिंग खाली नहीं करनी, या अगर होल्डिंग करनी भी है और उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड लेना है तो आप इसको स्टेकिंग पे लगा रहने देंगे, और उसके ऊपर आपको कंपनी 0.3% पर डे के हिसाब से, 9% पर मंथ जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड कंपनी आपको देती रहेगी। ये जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है ये 30-70 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम इसकी बात करें, लेट से $100 का अगर आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड बन रहा है टोटल, तो उसमें से $30 के और कॉइन मिलेंगे आपको, और ये कॉइन लॉक नहीं रहेंगे, इन कॉइन्स को आप किसी भी टाइम अपना विड्रॉल कर सकते हैं अपने आउटर वॉलेट में। और 70% जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो आपको यूएसडीटी में दिया जाता है, और इस यूएसडीटी को जब आप अपने BEP20 एड्रेस में विड्रॉ करते हैं तो 10% एडमन चार्ज के साथ इसका विड्रॉल आपको मिल जाता है। अगर आपने $100 का यूएसडीटी का विड्रॉल रिक्वेस्ट किया है तो $90 का यूएसडीटी BEP20 आपको मिल जाएगा। तो बात हम ये कर रहे थे कि ये पहले 3 मंथ लॉक रहेंगे, और 4th मंथ से ये 25% एवरी मंथ अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो अगले 4 महीने में, यानी कि टोटल 7 महीने में, आपके 100% कॉइन जो है वो रिलीजेबल हैं। आप उनको चाहे आउटर वॉलेट में लेके जाएं, चाहे आप एक्सचेंज में लेके जाएं, और आप उनको करंट प्राइस के ऊपर जो भी मार्केट में चल रही होगी उसको सेल कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत इनिशियल रेट है, स्टार्टिंग प्राइस है, अभी कम्युनिटी भी इसकी बिल्ड हो रही है। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा और बेहतरीन टाइम इस कॉइन के अंदर ज्वाइन करने का हो सकता नहीं है, और कभी दोबारा मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम सब लोगों को ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाएं, और खुद भी हम जितना इस कॉइन की सप्लाई को अवेल कर सकते हैं हम अपने स्टेकिंग पैकेजेस एक्टिवेट करें। उसके बाद अगर आप नहीं चाहते इसको अनलॉक करना और आप फिर भी अपना 100% कॉइन स्टेक पे रखते हैं तो आपको 0.3% पर डे के हिसाब से ये मिलता रहेगा जब तक आपके कॉइन जो है वो स्टेकिंग पे, योनेस प्लेटफॉर्म पे लगे रहेंगे। उसके बाद कंपनी ने इसका एक बहुत अच्छा कंपनसेशन प्लान बनाया है, और इस कंपनसेशन प्लान की पावर से हम लोग जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत फास्ट बना सकते हैं योनेस कॉइन को, और हम इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कंपनसेशन प्लान है वो ये है कि अगर आपके रेफरेंस से कोई आईडी एक्टिवेट होती है, लेट से $1,000 से या $50 से एक्टिवेट होती है, तो कोई भी स्टेकिंग पैकेज जो आपके डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसका 10% जो है वो आपको एज डायरेक्ट बोनस मिलेगा, और ये जो डायरेक्ट बोनस है इसका भी 30-70 के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 30% जो रिवॉर्ड होगा आपको योनेस कॉइन में मिलेगा, जिसको आप इंस्टेंट मेटामास्क वॉलेट में विड्रॉल भी कर सकते हैं, और जो 70% अमाउंट है वो आपको यूएसडीटी में मिलेगा। तो जैसे आप अपना स्टेकिंग रिवॉर्ड 10% एडमन चार्ज के साथ विड्रॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना डायरेक्ट बोनस भी 10% एडमन चार्ज के साथ विड्रॉल कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एग्जाम्पल, कि अगर आपने $100 का विड्रॉल किया तो $90 आपके यूएसडीटी BEP20 के एड्रेस में विदिन 24 आवर्स हिट हो जाते हैं। उसके बाद बाइनरी बोनस है, जिसको हम टीम बोनस कह सकते हैं, जिसको हम
मैचिंग बोनस कह सकते हैं। ये बेसिकली आपको मिलता है बाइनरी के हिसाब से। इसमें दो लेग्स आप बनाते हैं, एक आपकी लेफ्ट लेग होती है और दूसरा आपकी राइट लेग होती है। तो ये बेसिकली 10% ऑफ लेसर टीम का मिलता है आपको। अगर आपकी लेसर टीम पे लेट से $1,000 का बिजनेस आया है और आपकी हायर साइड पे लेट से $2,000 का बिजनेस आया है, तो $1,000 का 10% मिलेगा आपको, जो बनेगा $100। और इसकी जो लिमिट है वो 3x लिमिट है। अगर आपने $1,000 का पैकेज एक्टिवेट किया है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में बाइनरी बोनस या टीम बोनस जो है वो आप $3,000 तक अर्न कर सकते हैं। अगर आपका बोनस $5,000 एक दिन में बनेगा तो कंपनी आपको $3,000 ही देगी, 2,000 बोनस आपका जाया हो जाएगा। तो उसका भी सोल्यूशन मौजूद है सिस्टम के अंदर कि आपको जब लगे कि आपका बोनस ज्यादा बन रहा है और आपकी लिमिट 3x की जो है उससे बढ़ रहा है आपका बोनस, तो आप उसके लिए उसको बढ़ाने के लिए न्यू एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। तो फिर आपकी टोटल लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। और अच्छी बात यह है कि ये सारे बोनस जो है ये आपको डेली बेसिस पे कंपनी रिलीज कर देती है और आप इनको डेली बेसिस पे विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो साथ के साथ इस काम को और स्पीड अप करने के लिए ये जो डेली बोनसेस का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। और हर शख्स जो है वो अगले दिन जो है वो अपनी क्लोजिंग जो भी उसने पहले दिन की है उसका इंसेंटिव लेके अगले दिन और क्लोजिंग करने के लिए मोटिवेट हो सकता है। उसके बाद होता है लीडरशिप बोनस, या आप कह लीजिए मैचिंग बोनस। ये बेसिकली इस चीज का बोनस होता है कि जितने भी लोग आपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं या डायरेक्ट उनकी आपने इन्वेस्टमेंट कराई है इस बिजनेस में, तो सिस्टम आपको ये बोलता है कि आप उनका भी बाइनरी बोनस बनवाइए, आप उनका भी टीम वर्क कराइए। यानी कि अगर आप अपने डायरेक्ट वाले लोगों के साथ मिलके उनका अच्छा बाइनरी बोनस बनवाते हैं, आप उनके साथ मिलके टीम वर्क करते हैं, तो जो उनका बाइनरी बोनस बन रहा है उस बाइनरी बोनस का 2% आपको मिलेगा हर लेवल से। और ये लेवल 1 से स्टार्ट होके 5 लेवल तक आपको ये मिलेगा। तो मेरे ख्याल में सब लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो ये आसानी से समझ सकते हैं कि बाइनरी बोनस जो है, जो मैचिंग बोनस है, इसकी पावर कितनी ज्यादा है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। तो जो बाइनरी बोनस तो आपको मिल ही रहा है आपकी टीम के वर्क से, लेकिन अगर आप उनका भी चेक बनवाने के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि आपका चेक तो बन रहा है लेकिन अगर आप अपनी टीमों के भी चेक्स बनवाते हैं, तो आपको जो मैचिंग बोनस है वो बहुत ह्यूज इंसेंटिव में मिल सकता है। क्योंकि लेवल 1 पे तो बहुत चंद एक लोग होंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की जो डुप्लीकेशन है उसमें आपके हजारों लोग आ सकते हैं। वो जितना भी इनकम अर्न कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसका 2% इनकम एक ह्यूज इनकम के तौर पे आपको भी मिल सकता है। तो ये बेसिकली 3 बोनस हैं जो कंपनी ने अपने कंपनसेशन प्लान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं योनेस के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को ज्यादा फास्ट करने के लिए। तो आप सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग करिए किसी भी अमाउंट से जिसपे आप अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, और उसके बाद जो है आप अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करिए उनको। तो ये तीनों बोनस का जो टोटल लिमिट है वो 5x लिमिट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका $1,000 का पैकेज है तो $5,000 ही टोटल आपको ये बोनस मिलेंगे। ये लिमिट पर डे सिर्फ बाइनरी बोनस की है, लेकिन तीनों बोनस मिला के आप 5x इनकम कर सकते हैं। तो अगर $1,000 है तो $5,000 कमा सकते हैं आप अपनी टीम से, लेकिन अगर आपने $500,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 2.5 मिलियन डॉलर टोटल इनकम इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। याद रहे ये जो 5x की लिमिट है ये सिर्फ और सिर्फ बोनसेस इनकम की लिमिट है। इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है जो जिसके बदले आपको कॉइन मिले हैं, इसका स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिलता ही रहेगा, चाहे आपकी टीम काम करे या ना करे, या आप अपने बोनसेस इनकम के लिए पैकेज को री अपग्रेड करें या नहीं करें। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके कॉइन स्टेकिंग पे हैं। और अगर आप अपने कॉइन स्टेकिंग पे नहीं भी रखना चाहते तो 7 मंथ्स के बाद आप 100% अपने कॉइन जो है वो आउटर वॉलेट में लेके जा सकते हैं या एक्सचेंज के अंदर लेके जा सकते हैं, और वहां पे आप अपने कॉइन को ट्रेड करके अपना USDT में प्रॉफिट बना सकते हैं।
प्रॉफिट किस तरह से बनेगा कॉइन के अंदर, आज के दिन में जरा इमेजिन करिए, 0.05 डॉलर प्राइस है इस कॉइन की स्टार्टिंग में, तो 7-8 महीने के बाद अगर आप इसमें देखें कि ये जो कंपनसेशन प्लान है इसके जरिए कम्युनिटी बड़ी फास्टली ग्रो कर रही है, अभी बहुत स्टार्टिंग में काम है, थोड़े से टाइम में अच्छी खासी टीम बिल्ड हो गई है, तो इसमें डुप्लीकेशन का जब प्रोसेस आएगा 7-8 महीने में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कॉइन की प्राइसेस जो है वो कहाँ पे जाएंगी, क्योंकि कंपनी जो है और कम्युनिटीज को इस कॉइन के अंदर लाने के लिए बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस में भी इस कॉइन को लिस्ट करेगी, और अभी जैसे लास्ट वीक फिनबॉक्स एक्सचेंज आया है, इस वीक भी आपको एक अच्छा एक्सचेंज मिल जाएगा, तो एवरी वीक एवरी 15 डेज के बाद कुछ ना कुछ आपको कॉइन का भी ऐसा डेवलपमेंट नजर आएगा जिसकी वजह से आपके कॉइन की मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी और लोगों तक भी इस कॉइन की विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये टोटल कंपनसेशन प्लान है नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो ब्लॉकचेन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि जो योप्लेक्स प्लेटफॉर्म है उस योप्लेक्स प्लेटफॉर्म की फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए और इस प्लेटफॉर्म के रोड मैप को एक्सप्लेन करने के लिए जो योप्लेक्स प्लेटफॉर्म की सीईओ हैं मैम ईना साहा, जो बहुत मेहनत कर रही हैं योप्लेक्स प्लेटफॉर्म के लिए और हम उनकी टीम का हिस्सा हैं, हमसे भी जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो योप्लेक्स प्लेटफॉर्म के लिए हम करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि जो योप्लेक्स वाला पार्ट है वो खुद आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको समझ आए कि ये योप्लेक्स प्लेटफॉर्म जो है वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है, कितना बड़ा यूटिलिटी प्रूव हो सकता है इस कॉइन के लिए और कितना बड़ा कम्युनिटी को लेके आ सकता है, तो जितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा योप्लेक्स प्लेटफॉर्म तो इनडायरेक्टली कॉइन भी उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा।